आफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सोमवार को भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। इसी बीच मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा अफजाल अंसारी नामांकन कर रहे हैं, हमारी बड़ी बहन नुसरत वैकल्पिक रूप से नामांकन कर रही हैं। उमर अंसारी ने कहा कि कानूनी वजहों से बाबा अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाए तो बहन नुसरत चुनाव लड़ेंगी। हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी के केस की सुनवाई चल रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। बता दें कि अफजाल गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गैंगस्टर मामले में अफजाल को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से चुनौती दी है। सोमवार को मामले में करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट इस मामले में अब 20 मई को आगे की सुनवाई करेगा। अफजाल की तरफ से दलीलें पेश की गईं। अंसारी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उसमें वो पहले ही बरी हो चुके हैं। अंसारी की तरफ से आगे कहा गया कि अगर मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर के केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट से सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई। हालांकि सोमवार की सुनवाई में अफजाल अंसारी का पक्ष पूरा नहीं हो सका। 20 मई को होने वाली सुनवाई में सबसे पहले अफजाल अंसारी के वकील अपनी बची हुई दलीलें पूरी करेंगे। इसके बाद यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखा जाएगा।